दोस्तों, मैं फारूक कश्मीर से, मैं आपको आज बताऊंगा कि ज़ैफ़रान जो हैं, ये जो केसर हैं, इसकी खेती कैसे की जाती है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये जो वीडियो है, ये ज़ैफ़रान उर्दू में बोलते हैं केसर को, इंग्लिश में कहते हैं सैफ़रान, उसकी खेती कश्मीर में कैसे की जाती है। मैंने अपने दोस्त फारूक साहब को बोला था, तो उन्होंने ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना के भेजा है, तो मैं बताना चाहूँगा। डक्कन हेरल्ड के मुताबिक 5,707 हेक्टेयर जो ज़मीन है कश्मीर की, उसमें सैफ़रान केसर जो है उसकी खेती की जाती है, और इसमें 90% एरिया जो है वो पेम्पोर तहसील है, साउथ कश्मीर में, पुलवामा ज़िला में, वहाँ पर केसर की खेती होती है। ये सर्दियों की 3 महीने की फसल है। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत इसके फूल लगते हैं, और आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि ज़ैफ़रान जो हैं, ये जो केसर हैं, इसकी खेती कैसे की जाती है। इसकी खेती करने के लिए हम साल भर एक ज़मीन को जोतते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं बोते। उसके बाद ये कॉम हम दूसरी ज़मीन से निकालते हैं, और इस कॉम को इस जो ज़मीन हमने तैयार की है उसमें लगा लेते हैं। उसको ये कॉम हम निकालते हैं जून जुलाई में, और इसको बोते हैं हम सितंबर में। सितंबर में बोने के बाद इसमें रेजर बेड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि रेजर बेड्स, ताकि इसमें पानी जमा ना हो सर्दियों में, सर्दियों में बर्फ होती है, तो ताकि वो पानी जमा ना हो और हमारे काम ख़राब ना हो, तो इसलिए इसको बेड्स में रखा जाता है। और इसको जब हम सितंबर में बो लेते हैं, तो अक्टूबर के लास्ट वीक में ये फ्लावर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्लावर स्टार्ट होने के साथ हम इसमें पिकिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं ये पिकिंग करता हूँ, ये सवेरे सवेरे की जाती हैं, और एक दिन पुराना फ्लावर हम पिक करते हैं। और ये जो केसर का बीज है, ये जो काम है, ये इस खेती में कम से कम 5 साल के लिए रहती हैं, और 5 साल में इसमें कोई अल्टरनेट क्रॉपिंग नहीं होती है। उस दौरान हर एक साल इसमें फूल आते हैं, फूलों की तादाद बढ़ती रहती हैं, क्योंकि ये जो कॉम है इसमें बेबी कॉम्स ये पैदा कर देती हैं। तो बेबी कॉम्स बढ़ जाते हैं, साल हर साल बढ़ जाते हैं। तो बेबी कॉम्स की वजह से जब सीड पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो फ्लावरिंग ज़्यादा हो जाती है, और 5 साल के बाद उसको निकाल के, इस सीड को निकाल के मल्टीपल करते हैं हम, दूसरी जगहों का पे बो लेते हैं। तो ये काम को फ्री रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा रोडेंटसाइड का रहता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काम को वो हैं चिलिंग डेज, 100 चिलिंग डेज आफ्टर फ्लावरिंग। तो हम अब जब पिकिंग ख़त्म करेंगे अप टू 20 अप टू 15th ऑफ दिस नवंबर, तो उसके बाद इसमें चिलिंग ज़रूरी है कॉम मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जितना इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उतना अच्छा कॉम्स, उतना अच्छे बेबी कॉम्स बन जाएंगे।